शाहबाद बिल्ला। संगीत संगीत कंपटीशन क्लासरूम क्लासरूम संगीत कंपटीशन अंतराक्षी। और सुनते हैं बच्चों, आज सोच रहा हूँ कि पढ़ाई की जगह क्लासरूम में गीत संगीत से कुछ मनोरंजन किया जाए। पढ़ाई के साथ मन हल्का करने के लिए कभी कभी गीत संगीत जरूरी होता है। वाह सर, तब तो आज खूब मजा आएगा। अच्छा शीला बेटी, अब तुम्हें गाना गाना आता है? आता तो नहीं है सर, लेकिन मुझे गीत गाना पसंद है। सर, ये बाथरूम सिंगर है, बाथरूम में खोल कर गाती है। क्या? अरे सर, शीला बाथरूम में दिल खोल कर गाती है। शीला बेटी, ये रजुआ सही कह रहा है? हाँ सर, आज तो आपको बाथरूम में लेनी पड़ेगी। क्या? अबे क्या बक रहा है बे? मेरा मतलब है सर कि अगर आपको शीला से गाना सुनना है तो आज की क्लास बाथरूम में लेनी पड़ेगी। ओ राजू के बच्चे, अपना मुंह बंद रखो वरना आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अरे भाई लादू, लगता है आज तीला भाभी गुत्ते में है। दादा मुंह मत लगाओ, नहीं तो आज लेने के देने पल जाएंगे। चुप कर तोतले, मैं किसी से डरता नहीं। अच्छा सर, आप ये बताओ कि आज गीत संगीत का विचार आपको शौचालय में आया था क्या? अरे नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर, ऐसे ऐसे धांसू विचार शौचालय में ही आते हैं, इसीलिए तो शौचालय को सोचनालय भी कहा जाता है। मैं तो रोज सोचनालय में खूब सोचता हूँ। तू क्या सोचता रहता है बिरजुआ? जाने भी दो सर, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो शीला गुस्सा हो जाएगी। है? तू ऐसा क्या सोचता रहता है जिसे सुनकर शीला नाराज हो जाएगी? हले तल, अभी ना बाल की खाल निकालते रहते हो। तीला लादू की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए लादू बाथरूम में तीला के बाले में तोता लेता है। ये तो बाहर भी सोच सकता है ना, इसके लिए बाथरूम जाने की क्या जरूरत है? जाने दो सर, आपके समझ में नहीं आएगी। वैसे बाथरूम में फुल कंसंट्रेशन बनता है, इसीलिए तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं। ये बात तो तूने सही बोला बे रजुआ, ऐसा ज्ञान तू लाता कहाँ से है बे? सर, अगर आपको ऐसा ज्ञान चाहिए तो स्कूल के बाद नुक्कड़ पर मेरे साथ बैठिए, मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, आपका एडमिशन भी आसानी से करवा दूंगा। है? तू प्रिंसिपल है? सर, वहाँ लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक का ज्ञान पेला जाता है। जो सबसे ज्यादा ज्ञान पेलता है वह वहाँ का प्रिंसिपल होता है। अब तुम खाली बकैती कर रहा है। सर, आप कहाँ इन लफंगों की बात में उलझ गए? गीत का प्रोग्राम चालू कीजिए ना। हाँ, मैं हूँ लफंगा, लफंगा होना ही मेरी पहचान है। जब तक मैं हूँ लफंगा गिरी करता रहूंगा। और जाने मन, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन साथी दुनिया का सबसे बड़ा लफंगा है। जीवन साथी? माय फुट। अरे अरे बच्चों, शांत हो जाओ। अच्छा चलो, गीत संगीत शुरू करते हैं। लादू लादू, अच्छा मौता है, गीत के बहाने तीला भाभी तो आधी प्याल का इधाल कर दो। अच्छा बताओ, सबसे पहले कौन गाना सुनाएगा? सर, मैं गाऊं। ठीक है शीला बेटी, तुम ही शुरू करो। अगर तुम मिल जाओ। ये अगर मगर कैसा शीला रानी, मैं तो तुम्हें ऐसे ही मिल सकता हूँ। बोलो तो आज स्कूल के बाद ही मिलते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं गाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, गाओ। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। ऐसा मिलने का क्या फायदा शीला, जो दुनिया ही छोड़ना पड़े। अरे जब मिलेंगे तो प्यार व्यार होगा, रोमांस होगा, जमाना क्यों छोड़े? सर, इस राजू के बच्चे का मुंह बंद करवाओ, नहीं तो ये आज मेरे हाथों पिट पिटा जाएगा। ए रजुआ, अब तुम बीच बीच में बकैती काहे करने लगता है रे? गाने दो शीला को। सर, बकैती करना मेरी स्पेशलिटी है। अपना बकैती अपने पास रखो और गाने दो शीला को। गाओ शीला बेटी, गाओ, अब रजुआ डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ लेंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। अरे वाह, क्या बात है, कितने उत्तम विचारों से भरा गीत है ये। अरे वाह वाह वाह। थैंक यू सर।
अब कौन गाएगा? चल मैं भी गाऊंगा। अबे तोतले तू भी गाएगा? ठीक से बोला तो जाता नहीं तुझसे। ठीक है बेटा बबलू, तुम गाओ और राजू के बातों पर ध्यान मत दो। What my name? अबे अपना नाम भूल गया क्या? तेरा नाम बबलुआ है? अरे भाई मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है गाओ। What my name? My name is तीला, तीला ती दवानी। अबे शीला तेरी भाभी है। भाभी माँ समान होती है, माल समान नहीं। भाभी की जवानी पर नजर डालता है कमीना। अब मैं तो बस गाना डाला था। चुप कर, किसी भी तरह मेरी शीला पर नजर मत रखना, नहीं तो पता है ना मैं कितना बड़ा हरामी हूँ। ए रजुआ चल तुम कोई गाना सुना दे, बड़ा बकैती करता रहता है। ठीक है सर सुनो, मेरा गाना शीला के गाने का जवाब है। अच्छा तो गाने से जवाब देगा, बहुत खूब। चल सुना। छोड़ा दे। अबे तू गाना गा रहा है या अश्लील बात कर रहा है? आप सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, छोड़ दे, वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। अच्छा मुझे तो कुछ और ही लगा। ठीक है गाओ। देखो सर आप मुझे बेटा तो बोलो ही मत, मैं केवल अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ। अब मुझे बेटा बोलकर मेरी मम्मी पर लाइन मारने की जरूरत नहीं है, समझे? ठीक है मेरे बाप गाओ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अरे वाह तूने तो कमाल ही कर दिया रे रजुआ, तू बकैती के साथ साथ अच्छे अच्छे गाना भी जानता है। अरे क्या खूब शीला के गाने का जवाब दिया है रे, शाबाश मेरे शेर शाबाश। अरे सार ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो शीला के लिए बहुत सारे रोमांटिक मूड वाले गाने याद कर रखे हैं, बस एक बार शीला अकेले में मिले तो सही, मैं उसे खुश कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब तुम मुझसे अकेले में मिलोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने सुनाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। मुझे नहीं सुनना है तुम्हारे वही याद गाने। अरे वाह गुस्से में तो तुम और कमाल लग रही हो शीला। लगता है आज तुम ऐसे नहीं मानोगे। शीला अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए एक शेर सोचा है। क्या सोचा है बे? 10 रुपये की पेप्सी मेरी शीला सेक्सी। 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 अभी तुझे पेप्सी पिलाती हूँ। मेरी शीला सेक्सी।